ये साक्षी इस बहन की है। ये बहन जो है, ये इनका बच्चा है, ये 4 महीने का बच्चा है। और ये कहते हैं कि जब ये प्रेग्नेंट थी, 8वें महीने में थी, तो हम इनके सेहत से जान सकते हैं कि ये बहुत ही कमज़ोर थी। और ये कहते हैं कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे, तो डॉक्टर ने कहा था कि या तो तुम रहोगे या तो तुम्हारा बच्चा रहेगा, क्योंकि इसके शरीर में बिल्कुल खून नहीं है। तो ये कहते हैं कि उस दौरान जो इनके पड़ोसी है, ये प्रभु यीशु को जानते हैं, उन्होंने बताया कि तुम डरो मत, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। तो ये कहते हैं कि जब हम डिस्चार्ज होके घर आए, तब हम यहाँ पे कलीसिया आए थे, तब ये बहन 8वें महीने में थी, अपने प्रेगनेंसी के 8वें महीने में थी, और वो यहाँ पे आई, उन्होंने पास्टर से प्रार्थना करके लिया। और ये कहते हैं कि जब पास्टर ने मेरे लिए प्रार्थना किया, तो मेरे मन में एक विश्वास जागा कि मुझे भी कुछ नहीं होगा और मेरे बच्चे को भी कुछ नहीं होगा। आमेन। तो ये कहते हैं कि डॉक्टर ने ये भी कहा था कि तुम्हारा बच्चा अगर हुआ भी तो शायद नहीं बचेगा, क्योंकि तुम इतनी कमज़ोर हो। और 8वें महीने में वो बच्चे का वजन 1 किलो भी नहीं था। तो ये कहते हैं कि जब मैं आई, मैं प्रार्थना करके गई, मेरे मन में विश्वास जागा। और उसके बाद ये कहते हैं जब 9वां महीना आया, तो इन्हें दर्द उठा, और जब इन्हें हॉस्पिटल लेके गए, तो ये कहती है कि मेरी डिलीवरी, जो डॉक्टर ने कहा था कि सिजेरियन भी बहुत मुश्किल से होगी, तो ये कहती है मेरी डिलीवरी पूरी नॉर्मल हुई और उनका बच्चा जन्मा। और ये कहते हैं कि जब मेरा बच्चा जन्मा, तो डॉक्टर खुद हैरान थे, क्योंकि उसका वजन जो था वो 2 किलो के ऊपर हो गया था। आमेन। ये कहते हैं कि मेरे बच्चे को लाइट में रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा इसे लाइट में रखना पड़ेगा, NICU में रखना पड़ेगा, हम नहीं जानते क्या होगा। पर ये कहती ना मुझे वहाँ पे तकलीफ़ हुई, ना मेरे बच्चे को तकलीफ़ हुई। आज ये बच्चा 4 महीने का है, एकदम सुंदर तंदुरुस्त है। परमेश्वर ने इस घर को आशीष और खुशियों से भरा है, इसलिए सारा गौरव मैं माँ प्रभु यीशु को देंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस।